मॉर्निंग स्टूडेंट, नाउ वी स्टार्ट अवर चैप्टर 5. लेट्स नो अबाउट ट्रीज एंड हर्ब्स. थोड़ा और जानते हैं किसके बारे में, ट्रीज और हर्ब्स. हर्ब्स क्या होती है? शाख, जड़ी बूटियां. ड्यूरिंग रेनी सीजन मोस्ट ऑफ द एरियाज अराउंड अस गेट कवर्ड बाय द ग्रीन प्लांट्स. रेनी सीजन यानी बरसात का जब मौसम होता है तो मोस्ट ऑफ द एरिया ज्यादातर क्षेत्र किससे कवर्ड रहता है? ग्रीन प्लांट से, हरे पौधों से. दीज ग्रासेस एंड अदर स्मॉल प्लांट मेक अवर सराउंडिंग्स लुक ब्यूटीफुल. ये जो घास है और छोटे छोटे पौधे हैं, ये हमारे जो सराउंडिंग है, हमारे चारों तरफ के एनवायरमेंट को कैसा बनाते हैं? ब्यूटीफुल, एक सुंदर आकर्षक लुक प्रदान करते हैं. इट अपीयर्स एज इफ द मदर अर्थ इज वेयरिंग अ ग्रीन सारी. डजंट इट, कि आपको ऐसा नहीं लगता जो हमारी मदर अर्थ है यानी पृथ्वी माता है, उन्होंने क्या पहन रखी है? ग्रीन सारी यानी हरे रंग की साड़ी पहन रखी है. इज़न्ट इट, कि आपको ऐसा नहीं लगता है? अब इसमें क्या कह रहा है, चैप्टर के अंदर हमें क्या बताया गया है कि जब भी रेनी सीजन होता है तो हम लोग क्या देखते हैं, चारों तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी दिखाई देती है. और ये ग्रीनरी कैसी है? बहुत ही ब्यूटीफुल है और अट्रैक्टिव है. ये हमारे चारों तरफ के सराउंडिंग को अच्छा लुक देती है. इससे क्या है, हमारा जो सराउंडिंग है वो बहुत ही ब्यूटीफुल दिखाई देता है. Have you ever observed these plants closely? क्या तुमने इन प्लांट्स को क्लोजली पास से ऑब्जर्व किया है? You might have noticed that these small plants have soft green stem. तुम लोगों ने नोटिस किया होगा कि इन जो प्लांट्स हैं, जो छोटे स्मॉल प्लांट्स हैं, इनके जो स्टेम है वो कैसा है, बहुत सॉफ्ट है. They grow on their own और वह अपने आप से ही उग जाते हैं. Small plants with soft green stems are called herbs. छोटे पौधे जिनका तना कैसा हो, बहुत ही कोमल हो, उनको क्या कहते हैं? हर्ब्स कहते हैं, शाख कहते हैं. Does our earth remain covered with these plants during summer also? क्या हमारी पृथ्वी covered, ढकी हुई रहती है इन पौधों से? कब? समर में भी, गर्मियों में भी हमारी पृथ्वी इन पौधों से क्या ढकी हुई रहती है? Where do most of these प्लांट्स गो ड्यूरिंग समर? समर के दौरान ये जो प्लांट्स है ज्यादातर वो कहाँ चले जाते हैं? सोचो. You might have also seen some plants are very tall. और तुमने क्या देखा होगा, कुछ पौधे कैसे होते हैं, बहुत ही टॉल होते हैं, लंबे होते हैं. They are even taller than you. और वो क्या है, तुमसे भी ज्यादा लंबे हैं. These plants have a tough woody stem. इन प्लांट्स का जो तना है वो कैसा है, वुडी है, लकड़ी वाला है. These large size plants are called trees. और इन बड़े विशाल काय पौधों को क्या कहते हैं, ट्रीज कहते हैं. खेजड़ी, पीपल, बनियन, नीम, मैंगो, बबूल एक्सेट्रा आर द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ ट्रीज. जितने भी आपको नेम्स गिवन है वो सब किसके एग्जाम्पल्स हैं, ट्रीज के एग्जाम्पल्स हैं. और इनको आप चारों तरफ ऑब्जर्व भी करते हो. लेट अस लर्न अबाउट द बेसिक पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. चलो अब प्लांट्स के कुछ मुख्य भागों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. द रूट, जड़े. द रूट्स फ्रॉम द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट. रूट क्या बनाती है प्लांट का, अंडरग्राउंड पार्ट, वह पार्ट जो जमीन के नीचे है. रूट्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट. और रूट्स क्या है, प्लांट की सबसे इम्पोर्टेंट भाग है. व्हाट डू दे डू, और वो क्या करती है. द रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. रूट क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, सोखती है, क्या सोख लेती है, पानी और मिनरल्स. मिनरल्स का मतलब खनिज पदार्थ. खनिज पदार्थ किससे सोखती है, सॉइल से, मिट्टी से. वो क्या करती है, मिट्टी से पानी और खनिज पदार्थ सोख लेती है, अपने अंदर ले लेती है.